जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 40 क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आप लोग इसका टाइम नोटिस कर लीजिए, जो कि टाइम आपको सुबह 7 बजे है। डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा और 7 बजे जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? ऑस्टिन ने, न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो जो ऑप्शन सी नंबर लगा रहे हैं, सभी का सही उत्तर हो जाएगा, रोमर ने किया था। ठीक है, तो एक का सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोरिनोग्राफ का उपयोग किया जाता है धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारी के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, या सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि क्रोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में, तो उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य तथा पवित्रता का, शांति एवं समृद्धि का, प्रगति का, या सामाजिक न्याय का? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य तथा पवित्रता का, ये प्रतीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका सी ए लगाया है, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग का जो प्रतीक है, यह सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। और 4 नंबर में कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? फाइब्रिन, हिपेरिन, प्लाज्मा, या हीमोग्लोबिन? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएगा कि किसकी उपस्थिति के कारण जो शरीर में के अंदर जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन के कारण ये थक्का नहीं जमता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका लगा, उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? अपोलो था, लूना था, अपोलो 11 था, या जोंट 5 था? तो आप लोग इसका आंसर बताएगा कि जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा रहे हैं अपोलो 11, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा अपोलो 11 था। ठीक है, तो 5 का करेक्ट नंबर करेक्ट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? मेरी वेडेट लैंड, किनमेरी लैंड, कोट्स लैंड, या एटेरावी लैंड? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है किनमेरी लैंड, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा किनमेरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो 6 का बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष जो दूर वाली वस्तु की प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, आयरिस पटल पर बनता है, या कॉर्निया पर बनता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि 7 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा रहे हैं रेटिना के आगे बनता है, उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निकट दृष्टि दोष के दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो 7 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन में है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, हवा में, जल में, हाइड्रोजन में? तो आप लोग बताइए आंसर कि वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है। तो वस्तु का भार जो अधिकतम होता है, तो यह निर्वात में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अर्थ के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण बनता है? 20 डिग्री का, 18 डिग्री का, 15 डिग्री का, या 0 डिग्री का? तो आप लोग आंसर बताइए कि पृथ्वी और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अर्थ के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण बनता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा रहा है 18 डिग्री, उन सभी का सही उत्तर है। तो 18 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 में है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसन सबसे बड़ा है? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का, या महानदी का? तो आप लोग आंसर इसका बताइए लाइव चैट में कि इनमें से कौन सा नदी का बेसन सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, गोदावरी। गोदावरी का बेसन सबसे बड़ा है। जिन्होंने 10 का सी आंसर लगाया, उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर,
कोणार्क का सूर्य मंदिर या तंजावुर का बृद्धेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तंजावुर के बृद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो 11 का डी नंबर सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, कास्पिन, दिनार या पन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, गुप्त शासनों के द्वारा जो जारी जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था। तो उसको जो कहा जाता था तो उसको रूपक कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रूपक, वो सभी वो आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने 12 का ए आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 में है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है, असीमित घाटे का वित्त व्यवस्था, अनुत्पाद व्यय में कटौती न करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना करना या बिल्कुल नए सिरों से बजट तैयार करना। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ जो होता है तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वो आंसर सही है। तो जिन्होंने 14 का डी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 15 नंबर। 15 में मुद्रा स्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, मजदूर पर या व्यापारी पर। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि मुद्रा स्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यह जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है तो यह निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का यह सही उत्तर है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रूलिंग प्लान की हिमायत की है, ए के सेन ने, गुनार मिडल ने, एच चक्रवर्ती या आर्थर लुइस ने। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएगा कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रूलिंग प्लान की हिमायत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुनार मिडल ने की थी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगाया सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 16 का बी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के आठ मंत्रियों की परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था जिसका प्रधान होता था सर ए नौबत, दबीर या सुमंत, मजमूदार या अमात्य या पेशवा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएगा कि शिवाजी के आठ मंत्रियों की परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था, उसका प्रधान होता था, तो उसका प्रधान जो होता था तो यह पेशवा प्रधान होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 में कि कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार या उपरीत सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ जो होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार ये सभी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, पनीर में, पालक में, मछली में या मक्खन में। तो कार्बोहाइड्रेट जो नहीं पाया जाता है तो यह पालक में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी नंबर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पांचवा शक्ति या निषेध अधिकार का उपयोग किस में करती है, सुरक्षा परिषद, न्यायसिता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या महासभा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पांचवा शक्ति या निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि ए में दे रखा है कि सुरक्षा परिषद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 21 नंबर। 21 में कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या गणना कार्य करना। तो आप लोग इसको लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है तो इसका अर्थ जो हो जाता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ये किस ऑप्शन में दिया है तो सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे, जहांगीर ने, अकबर ने, गुरु गोविंद सिंह ने या शाहजहां ने। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो स्वर्ण मंदिर बना था उसके लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे। तो उसके लिए भूमि जो उपलब्ध कराए थे तो यह अकबर ने कराए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, दोनों के या राष्ट्रपति के। तो आप लोग आंसर बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन है अगला कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, 8, 9, 10 या 5। तो जो खेल खो खो होता है उसमें जो क्रॉस लेंस होती है तो उसमें क्रॉस लेंस होती है तो 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 का ए नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सेटेलाइट एंड टेकिंग एंड स्टेशन कहाँ स्थित है, थुम्बा में है, श्रीहरिकोटा में है, हासन में है, कवालूर में है। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सेटेलाइट एंड टेकिंग एंड स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है तो यह कवालूर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर टी में दे रहा है कवालूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का आपको डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कवालूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पीडी टंडन या चितरंजन दास थे। ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है जवाहरलाल नेहरू, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 26 का बी नंबर सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार द्वीप में, छोटा निकोबार द्वीप में, मध्य अंडमान में या दक्षिण अंडमान में। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है तो यह बड़ा निकोबार में द्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो आप लोग इसका आंसर बताएगा कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो यह जो न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है प्रधान देशांतर पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 में कि सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं या 9 होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम जो न्यायाधीश होते हैं तो यह न्यायाधीश होते हैं 5 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो 5 दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में कि पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, प्रकाशीय तीव्रता की या चुंबकीय बल की। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताएगा कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो इकाई है तो यह दूरी की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर है कि लार की प्रकृति है, लार की प्रकृति क्या होती है, निष्प्रभावी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उभयधर्मी होती है। तो लार की प्रकृति जो होती है तो यह होती है अम्लीय होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का बी नंबर सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर। 32 में कि ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, अग्नि थे, सोम थे, वरुण थे या इंद्र थे। तो आप लोग इसका आंसर बताएगा कि ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। तो जो ये प्रमुख देवता थे तो यह इंद्र भगवान थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में कि 1924 में हिंदुओं रिपब्लिक सॉरी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सचिंद्र ने, सन्याल ने, भगत सिंह ने या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या M.N. राय ने। तो आप लोग इसका आंसर बताएगा कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यह जो की थी तो सचिंद्र सन्याल ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप लोग दिल से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। 34 में कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, 9 थी, 11 थी या 8 थी। तो आप लोग चाहे चैट में आंसर जरूर बताएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसकी जो संख्या थी तो यह 7 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 35 नंबर। 35 में कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके लिए लिया
निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा, तो आप लोग इसको कमेंट में से जरूर बताइए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएगा, आपको ये होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है 35 नंबर। तो आप लोग ये सेशन खत्म होगा तो आप लोग ऑफलाइन जो लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि 35 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर की फोर्स किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल का, यूरेनस का, बृहस्पति का या शनि का। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए, यानी कि लाइव चैट में जरूर बताइए कि फोर्स किस ग्रह का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है तो यह मंगल ग्रह का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। तो 36 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। 37 में कि उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जम्मू कश्मीर, ये इसका राइट आंसर है। तो 37 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए थे, सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा विपिन मेनन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारत की जो देशी रियासतों का विलय में किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो सरदार पटेल तथा बीपी मैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 का बी नंबर सही उत्तर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था, जस्टिस वांचू, जस्टिस एम सी महाजन, जस्टिस एम के धर या उपयुक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताएगा कि राज्यों के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम आयोग का अध्यक्ष था यह एस के धर, यानी कि जस्टिस एस के धर थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 39 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि 40 का आंसर कौन सा होगा। आपको एक 35 नंबर दिया गया है और एक 40 नंबर, तो दोनों का आंसर आप लोग जरूर बताएगा क्वेश्चन नंबर दे करके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 40 में आपको कितना सही हुआ, स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में घंटी का बेल का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन 7 बजे मिल सके और ये वीडियो आप लोग लाइव देख सके, ठीक है दोस्तों। और आप लोग इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।